हेलो एवरीवन, आज की हमारी स्मॉल स्टोरी है वो है भगवान में आस्था की स्टोरी, जिसका नाम है लेटर टू गॉड। ये एक 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर भी है, बट मैं इसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को इससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। एक फार्मर होता है जिसका नाम है लेंचो। वो खेती करता है मक्के की खेती, मेज़ की खेती करता है। सो उसकी फैमिली में उसके दो बेटे हैं, उसकी वाइफ है। वो एक पहाड़ की चोटी पर रहता है। पहाड़ की चोटी के नीचे जितना भी एरिया होता है, फील्ड होती है, वो वहाँ पर अपने मेज जो अपने कॉर्न है उसकी फील्ड को करता है। एक बार की बात है, वो अपनी फील्ड में खड़े होकर बादलों को देख रहा होता है नॉर्थ ईस्ट की साइड में, और वो सोचता है कि इस बार भगवान जी बहुत अच्छी बारिश कर देंगे तो मेरी खेती बहुत अच्छी होगी और मैं पूरे जो साल है अपनी खेती के अकॉर्डिंग अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड कर सकता हूँ। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि फार्मर्स के लिए खेती कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक्चुअली वो पूरी की पूरी जो खेती है उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो लेंचो भी इसी विश्वास के साथ सोचता है कि मैं भी अपनी खेती के अकॉर्डिंग अपने फैमिली को अच्छे से पाल सकता हूँ। है कुछ दिन बीत जाते हैं और लेंचो की जो फसल है उस पर फूल आ जाते हैं, जो मक्के की खेती होती है उस पर फूल आ जाते हैं। और थोड़ी ही देर में देखते देखते वो ये सोचता है कि अब जब ये फूल आ गए हैं तो मेरी खेती और अच्छी हो जाएगी। उसकी वाइफ रात में खाना बना रही होती है और वो रात के टाइम पर ही बाहर फील्ड में खड़े होकर ये सोचता है कि जब बारिश होगी तो मेरी फसल और अच्छी हो जाएगी। अगले दिन जब वो सुबह देखता है तो उसी टाइम पर वो देखता है कि बहुत मोटे मोटे से हेल स्टॉर्म, जो जो गोले होते हैं, ओले होते हैं, वो हेल स्टॉर्म उसकी पूरी फसल के ऊपर बिछ जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी जो मक्के की खेती थी वो पूरी की पूरी वाइट सॉल्ट से ढक चुकी है। और वो सोचता है कि इतना नुकसान मेरा भगवान जी ने कर दिया है, ये तो भगवान जी का ही जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो हुआ है। जो उसके दोनों बेटे होते हैं वो उन बर्फ के जो ओले हैं उनसे खेल रहे होते हैं, लेकिन उसके मन में बहुत उदासी होती है। वो सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स रात में सोचते हैं कि अब तो नुकसान हो चुका है, अब तो मक्के की खेती अच्छी नहीं होगी और हमें हो सकता है काफ़ी टाइम तक भूखे रहना पड़े, हमारी फसल तो अच्छी हुई नहीं है। तो लेंचो सोचता है कि भगवान जी ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं एक काम करता हूँ, मैं भगवान जी को ही बोलता हूँ कि मेरे लिए अरेंजमेंट्स करें और मैं उनसे 100 पिसोस मांगता हूँ। पिसोस एक करेंसी है, जैसे कि इंडिया में 100 रुपीज़ हैं या 1000 रुपीज़ होते हैं। तो वो भगवान जी से बोलता है कि भगवान जी मुझे 100 पिसोस चाहिए। तो इसमें जो वो 1 पिसोस है उसकी कॉस्ट अराउंड 12.5 रुपये होती है। वो भगवान जी को विश्वास रखते हुए एक दिन पोस्ट ऑफिस जाता है सुबह सुबह। भले ही वो फार्मर है लेकिन उसे लिखना पढ़ना आता है। वो सुबह सुबह जाता है पोस्ट ऑफिस और वहाँ जाकर जो विंडो होती है जहाँ से हम लोग लेटर्स लेते हैं, वहाँ से एक लेटर लेता है, एक स्टैम्प लेता है और एक पेन लेकर लिखना शुरू करता है। भगवान जी, मेरा नाम लेंचो है और मैंने मक्के की खेती की थी। मैंने सोचा था कि खेती बहुत अच्छी होगी तो मैं अपने परिवार का पेट बहुत अच्छे से भर पाऊँगा, लेकिन हेल स्टॉर्म्स की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। इतना तो लैक्टस, एक कीड़ा होता है जिसे हम टिड्डी भी बोलते हैं, इतना तो वो भी बर्बाद नहीं करते जितना मेरा हेल स्टॉर्म ने पूरी खेती बर्बाद कर दी है। अब आप एक काम कीजिए, मुझे 100 पिसोस दे दीजिए जिससे कि मैं अपनी खेती को रिकवर कर सकूं और इसको जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। वो सारी बातें अपने लेटर में लिख देता है, पोस्ट ऑफिस से स्टैंप लेकर उसमें स्टैंप लगाता है और लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर देता है और अपने घर आ जाता है इसी विश्वास के साथ कि भगवान जी उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। थोड़ी देर के बाद जब लेटर बॉक्स से सारे लेटर्स निकाले जाते हैं, सेग्रीगेट किए जाते हैं कि कहाँ कहाँ स्टेट्स में, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, कौन से शहर में जाना है लेटर्स, तो एक लेटर होता है जो वहाँ का हेडमास्टर देखता है, पोस्टमास्टर देखते हैं कि इस लेटर के ऊपर सिर्फ टू द गॉड लिखा है, मतलब भगवान जी के लिए, इसके अलावा तो कोई और एड्रेस लिखा नहीं है, लेकिन फ्रॉम मे लेंचो का एड्रेस लिखा हुआ है कि एक वो वैली के ऊपर रहता है। तो जब वो लोग उस लेटर को खोलते हैं, पहले तो सब लोग बहुत हंसते हैं कि ऐसा लेटर कि भगवान जी के लिए उसने लिखा है, और सारी बातें जब वो लोग पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। लेकिन वहाँ का जो पोस्टमास्टर होता है वो उसको हंसता नहीं है, पहले तो हंसता है लेकिन बाद में वो ये सोचता है कि लेंचो की जो आस्था है भगवान जी में वो बहुत स्ट्रांग है, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो क्या करता है, अपनी सैलरी का 50% और बाकी जितने भी कॉलिग्स होते हैं वहाँ पोस्ट ऑफिस में, बाकी जितने भी फ्रेंड्स सर्कल्स में होते हैं, वो सब लोगों से कुछ चैरिटी के अकॉर्डिंग 70 पिसोस इकट्ठा कर लेता है, लेकिन वो पूरी अमाउंट 100 पिसोस नहीं हो पाती है।
अब वो एक हफ्ते के बाद वापस आता है। यहाँ तो पोस्ट ऑफिस के सारे वर्कर्स ये सोच रहे हैं कि 70 पेसोस हमने इकट्ठे कर लिए हैं, हम सब ने एनवलप में डाल दिए हैं, अब हम लेंचो को देने वाले हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम लेंचो आता है तो वो पोस्ट मास्टर से पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है, कोई एनवलप है। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि लेंचो का क्या रिप्लाई रहेगा, उसकी जो आस्था थी भगवान जी में वो सक्सेसफुल हुई है, उसका जो विश्वास था वो टूटा नहीं है, क्योंकि अगर भगवान जी उसे पैसे नहीं भेजते तो वो भगवान जी पर भरोसा नहीं करता। सब लोगों ने ये थिंकिंग सोच के रखी। अब उसको 70 पेसोस एनवलप में डालकर उसको लेटर दे दिया जाता है, टू लेंचो फ्रॉम गॉड। वो एनवलप ओपन करता है, वो पैसों को काम गिनना शुरू कर देता है। जैसे वो पैसों को गिनता है तो वो सोचता है कि इसमें तो 30 पेसोस कम है, 70 पेसोस है, मैंने तो 100 मांगे थे। और वो तुरंत दौड़ करके खिड़की के पास जाता है, वहाँ से एक और लेटर लेता है, स्टैम्प लेता है, पेन लेता है, वो लिखना शुरू करता है। भगवान जी, मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे अपनी फसल को रिकवर करने के लिए, लेकिन मुझे तो आपने 70 पेसोस ही भेजे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ आपने 70 पेसोस नहीं भेजे होंगे, भेजे तो आपने मुझे 100 ही पेसोस होंगे। ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ना, ये सारे फ्रॉड हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे पैसे कट कर लिए हैं, इन्होंने मेरे चुरा लिए हैं 30 पेसोस। आप अगली बार क्या करना, मुझे मनी ऑर्डर कर देना, और ताकि मुझे डायरेक्टली पैसे मिल जाएं, प्लीज़ इतना दीजिएगा। वो ये सब लिख करके पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में स्टैंप लगाकर उस लेटर को डाल देता है और अपने घर चले जाता है 70 पेसोस को लेकर। बाकी जितने भी पोस्ट ऑफिस के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अब हम लोग इस लेटर को खोलेंगे जिसमें ये थैंकफुल होगा गॉड के लिए, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की 70 पेसोस से। लेकिन जब वो लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य में रहते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक होता है उन लोगों को कि एक तो हमने इसकी हेल्प की, ऊपर से ये हमें ही ऐसे बोल के गया कि हम बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब हम लोग बेईमान हैं। तो यही स्टोरी है कि एक जो फार्मर है उसकी जो आस्था है भगवान जी पर कितनी ज़्यादा है, और बाकी सब लोगों ने उसकी आस्था को बनाने के लिए कितनी हेल्प की थी। सो आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी एंड क्लास 10th के लिए ये स्टोरी हेल्पफुल रही होगी। इसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी मिस कर दिए हैं, लेकिन मैं पूरी स्टोरी एक बार फाइनली